नई जानकारी उस गुड्डू मुस्लिम के बारे में आ रही है, जो गुड्डू मुस्लिम हमेशा से सीएफ की टीम को बुरगलाता रहा, वो घुमाने की कोशिश करता रहा, घुमाया तो उसने हालांकि अतीक और अशरफ को भी है, कहा तो ये भी जा रहा कि उसने गद्दारी की है, लेकिन उसके बारे में लास्ट लोकेशन कहां मिली है? लास्ट लोकेशन मिली है ओडिशा में। हालांकि जब तक पुलिस कुछ कर पाती वहां से भी उसका मूवमेंट अलग हो चुका है, लेकिन एसटीएफ अलर्ट है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्त में लिया जा सके। को किसी ने नहीं देखा और इसीलिए ये ईरान के मजबूत हथियार बन गए, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान में बुद्धिमान लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें हैकर बना दिया जाता है, जिसके बाद ये अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल करते हैं। और इस बार तो वो अमेरिका की ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और पोर्ट कंपनियों का डेटा चुराने की तैयारी में है, जिनसे लड़ना बाइडेन के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस बार अमेरिका ने ऐसे खूंखार लड़ाके भेजे हैं जो पर्दे के पीछे से वार करेंगे और अमेरिका की असली ताकत यानी कि उसकी तकनीक को खोखला करेंगे। और अगर वो कामयाब हो गए तो अमेरिका की ट्रांसपोर्ट और एनर्जी इंडस्ट्री का दोबारा खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये हैकर कंपनियों का डेटा लीक कर देंगे और इसके साथ ही लीक हो जाएगी अमेरिकी तकनीक, जिसे उसके दुश्मन कॉपी कर सकते हैं और अमेरिकी तकनीक का इस्तेमाल उसी के खिलाफ कर सकते हैं। इस बीच हांगकांग के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को हथियारों की मदद पहुंचाने वाली कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए, जिन पर किसी न किसी तरह से ईरान को हथियार और ड्रोन सप्लाई करने के आरोप लगे। हांगकांग के मीडिया के मुताबिक ये कंपनियां ईरान को हथियार बनाने में उसकी मदद भी करती थी। बताया गया कि अमेरिका ने जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए उनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। असल में बीते कुछ महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ चुका है। ईरान पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो यूक्रेन जंग में रूस के साथ खड़ा है, जबकि अमेरिका शुरुआत से ही यूक्रेन का साथ दे रहा है। अमेरिका कई बार पुतिन की मदद करने वाले देशों को चेतावनी भी दे चुका है। दावा है कि इसी कड़ी में उसने ईरान को सबक सिखाने के लिए उसके मददगारों पर ही प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। रूस अचानक प्रशांत महासागर में सक्रिय हो गया। पुतिन की पनडुब्बियां, मिसाइलें और जंगी जहाज धीरे धीरे प्रशांत महासागर पहुंचने लगे हैं। एक दिन पहले रूस ने प्रशांत महासागर में अपनी तैयारियों पर ध्यान देने पर जोर दिया था और अगले ही दिन उसके मिसाइल टेस्ट की तस्वीरें आ गई। ये टेस्ट रूस के उत्तर पश्चिमी हिस्से में ओखोत्स्क सागर में किया गया। रूस ने जिस मिसाइल का टेस्ट किया उसका नाम R-298 है, जो एक क्रूज मिसाइल है, और टेस्ट के दौरान उसने 70 किलोमीटर दूर समंदर में अपने टारगेट को कुछ ही पल में उड़ा दिया। इस टेस्ट का वीडियो जारी करते हुए रूस ने दो टूक कह दिया कि वो प्रशांत महासागर में अपनी नौसेना की तैयारियों का जायजा ले रहा है और इसी इरादे से उसने ये टेस्ट किया। यानी पुतिन ने बिना घुमाए फिराए दुनिया को बता दिया कि वो समंदर में जंग की तैयारी कर रहे हैं, वो भी वहां जहां चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश भी युद्ध के मूड में दिख रहे हैं, क्योंकि रूस के उत्तर पश्चिम की सीमा से लगा ओखोत्स्क सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ओखोत्स्क सागर का दक्षिणी हिस्सा जापान के द्वीप से भी लगता है, यानी प्रशांत महासागर का ये हिस्सा रूस और जापान के बीच है, जहां रूस ने जंग की तैयारी शुरू कर दी, वो भी दुनिया को बताकर। यही नहीं, मिसाइल टेस्ट के थोड़ी ही देर बाद रूस के रक्षा मंत्री अपनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों को देखने पहुंच गए, जिनमें रूस की यार्स मिसाइलें भी शामिल हैं, जो इतनी ताकतवर होती हैं कि एक साथ 10 भारी भरकम बम लेकर दुश्मन का दम निकाल सकती हैं।